एक तरफ देखा जाए तो एकदम बमबारी हो रहा है चुनाव को लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव जो है कई महीने में थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसा करते हैं। और हॉस्टल का बहुत सारा इशूज है, मेनली हॉस्टल बस एक रहने का चीज़ बन गया है बाकी। लेकिन यहाँ पे बीसी सर हमारे पता नहीं क्या कारण था, टाल रहे थे। कोरोना तो बहुत दिन हो गया, बंद हुआ, पता नहीं क्या कारण था। लेकिन अभी इनको एक ये का डर भी हुआ है कि मतलब ये गुंडागर्दी तो होता ही है, लेकिन अब क्या किया जाए। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यह कहना चाहें कि नमस्कार, बिहारी प्रतिभा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी मौजूद हैं हम पटना यूनिवर्सिटी में। जिस तरीके से गिरीश कुमार चौधरी ने चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कर दी है, हमारे साथ कुछ छात्र हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं छात्र कितना खुश है और ना खुश है। बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव जो 19 नवंबर 2022 को होने वाला है, एक बहुत ही मतलब स्वागत करने जैसा फैसला है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता होने के मतलब नाते हम इस फैसले से बहुत ही खुश हैं। और ताकि पिछले 2-3 सालों से चुनाव नहीं हो रहा था, छात्र की जो समस्याएं थी, छात्र संघ के जो प्रतिनिधि थे उनका पावर खत्म हो चुका था। अब ऐसा है कि छात्र संघ चुनाव होगा तो छात्र संघ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेवारी बनेगी छात्रों के प्रति, जो बातों को रखेंगे तो विश्वविद्यालय के वीसी और जो भी प्रशासन है उनको सुनना पड़ेगा। एक मतलब बहुत ही अच्छा फैसला है। जिस तरीके से वो गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि शांतिपूर्ण, और एक तरफ देखा जाए तो एकदम बमबारी हो रहा है चुनाव को लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव जो है कई महीने में थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसा करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हित करके उन्हें कठोर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग इससे कितना खुश है और ना खुश है? इससे बहुत खुश है, ऐसे विश्वविद्यालय के सभी छात्र खुश हैं, क्योंकि जब छात्र संघ का चुनाव होता है तो न केवल छात्र नेता के लिए बल्कि विश्वविद्यालय के लिए कि नेक का जो ग्रेड होता है उसमें भी इजाफा होता है, और मतलब अपने आप में छात्रों का प्रतिनिधित्व मिलता है जो हमारी बात को रख सकते हैं बीसी के पास या विश्वविद्यालय प्रशासन के पास। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगे? पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यह कहना चाहें कि आप वैसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके बीच 365 दिन रहे, ना कि केवल चुनाव के समय आए भाई जात पात दुनियादारी के नाम पे आप उनको वोट कर रहे हैं और उसके बाद वो चले जाए। वैसे लोगों का चुनाव करें जो कि आपके बीच का हो, आपके लिए लड़े और आपके लिए जो पूर्व में लड़ा हो, जो भविष्य में लड़ सकता है। आप क्या कहेंगे, कितना खुश है और कितना ना खुश है? नहीं, काफ़ी खुश हैं ये। हाँ, काफ़ी खुश हैं, इसीलिए बहुत लोग हमारे जो सीनियर लोग हैं वो मिठाई भी खिलाए हैं माननीय कुलपति महोदय जी को। ये वो प्रथा है अपने देश में कि कोई शुभ कार्य होता है तो मुंह मीठा किया जाता है। तो बहुत दिन से चुनाव नहीं हुआ था, कोविड की वजह से तो पूरा जो था सो उत्साह झलक रहा था छात्र नेताओं का। आप देख सकते हैं कि सबको उत्साहित हैं सब लोग, तो वही उत्साह में और शुभ कार्य को लेकर के मुँह मीठा किया गया। आप क्या कहेंगे, आप बताइए? देखिए, हमने जब से हमारे सेशन का ये पहला चुनाव होगा तो हमारे लिए तो ये बहुत ही गौरव का पल है, और जैसा कि हम हर्षोल्लास देख रहे हैं, हम बहुत बहुत इच्छुक थे कि चुनाव हो। बहुत वायदे किए जाते थे पहले भी छात्र, मेनली क्या होता है कि लोग छात्र नेता तो वादे बहुत करते हैं लेकिन पूरा करने का आता है तो छात्र संघ चुनाव का टाइम पूरा एक्टिव हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये भी मायने रखता है कि जैसे बहुत सारा मुद्दा अभी मेरा बेसिक मुद्दा हॉस्टल का मुद्दा, जैसे कि हॉस्टल में अभी प्रशासन वैसा हॉस्टल का वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका दीवार उसका बहुत का खड़ा नहीं हुआ है, बहुत में है कि उसमें उसका गार्ड उड सही नहीं है, तो उस हिसाब उस नज़रिए से उसका देख रेख बढ़ाया जाएगा। और हॉस्टल का बहुत सारा इशूज है, मेनली हॉस्टल बस एक रहने का चीज़ बन गया है बाकी। आज चुनाव को लेकर डेट की घोषणा कर दी गई है, कितना खुश हैं आप? सबसे पहले तो मैम, आप बिहारी प्रतिभा चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब आए और हमसे बात करने की कोशिश की। प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। ये सबसे पहले मैं आज कुलपति महोदय और डीन महोदय सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ की चुनाव की डेट घोषणा कर दी गई। ये चुनाव 19 नवंबर को होने जा रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण था। हम लोग काफ़ी दिनों से मैं छात्र जदयू, मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्ला हुआ, बीएन कॉलेज और छात्र जदयू पटना विश्वविद्यालय के महासचिव के पोस्ट पे हूँ। तो हम लोग काफ़ी दिनों से आंदोलन करते आ रहे थे कि मतलब चुनाव को लेकर काफ़ी दिनों डेट घोषणा की जाए, कब हो, बहुत दिनों से लगभग 4-5 महीने से इधर लगकर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे बीसी सर हमारे पता नहीं क्या कारण था, टाल रहे थे। कोरोना तो बहुत दिन हो गया, बंद हुआ, पता नहीं क्या कारण था। लेकिन अभी इनको एक ये
ये का डर भी हुआ है कि मतलब नैक की टीम इसमें इंटरफेयर करती है, अगर चुनाव नहीं हुआ तो फिर ग्रेडिंग काट लिया जाता, कम कर दिया जाता, इसके वजह से भी हुआ। और छात्र चुनाव काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर मतलब क्लास में अगर कुछ होता है या कॉलेज में कुछ होता है तो बच्चे, सारे बच्चे तो नहीं आएंगे, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव ही तो आएंगे, तो इसको लेकर छात्र नेता होना काफ़ी ज़रूरी है और हमारे बातों को, समस्या को समाधान करे। और रही बात है, आप अभी पूछ रहे थे किसी से हॉस्टल वगैरह के बारे में, तो ये गुंडागर्दी तो होता ही है, लेकिन अब क्या किया जाए, मतलब अब सर को देखना है क्या है नहीं है अब, लेकिन सर प्रशासन पूरा टाइट रहेगी और देखिए क्या। धन्यवाद। जो डेट की घोषणा की गई थी, क्या लग रहा है आपको, ये शांतिपूर्ण जो चुनाव होगा? होगा, लेकिन शांतिपूर्ण होगा कि नहीं होगा, इस सच्चाई को मानिए। अच्छा, अभी मतलब कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा बमबारी होता है चुनाव को लेकर, इस बार क्या शांति होगा? शांति होना या ना होना बात का बात है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी का चुनाव अभी तक देखते आ रही है कि शांति गमा करके होता है वैसे ही। अच्छा, लेकिन चुनाव से कितना खुश है? हम इसलिए खुश हैं कि क्योंकि चुनाव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रांति आएगा। हाँ। क्रांति क्या, जैसे बच्चा के एक एक बात मतलब सुना नहीं जा रहा, और आप वहाँ तक लाइए VC के पास, VC वो बातों को आगे बढ़ाया, किस मुद्दे से बढ़ाएगा? जैसे नेक की टीम आया था तो नए के टीम BN कॉलेज का BCC ग्रेड दे दिया, उसके पीछे कारण क्या था? जब तक आप चुनाव नहीं कराइएगा तो छात्र का जो छात्र हित का मुद्दा बाहर निकलेगा नहीं, इसके लिए चुनाव जरूरी है। हाँ, चुनाव आप माहौल देख ही रहे हैं, यहाँ पे छात्र नेता बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो ये होना ज़रूरी भी है, ये लोकतंत्र है, चुनाव जिसके जरिए हमारे जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो प्रशासन और हमारे बीच के कनेक्टिविटी का काम करेंगे, जो हमारी मांगे हैं वो प्रशासन तक पहुंचाएंगे। तो जो समस्या है वो अगर चुनाव होता है, जो भी कैंडिडेट, अगर जो भी छात्र जीतेंगे, तो ये जो समस्या चल रही है गुंडागर्दी को लेकर, हॉस्टल इशू के लेकर, लड़कियां सेफ नहीं है कॉलेज जाती है, तो ये सब समस्या पर प्रतिबंध लगेगा? प्रतिबंध लगना तो चाहिए, हमारे प्रतिनिधि लगातार आवाज़ उठाएंगे इस पर, विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि महिलाओं का, हमारे छात्राएं का सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित किया जाए। इसमें हमारे जो भवन या इंफ्रास्ट्रक्चर है, दरभंगा हाउस का स्टूडेंट है, वहाँ पे क्लास सबको सही तरीके से अलॉटमेंट क्लास भी नहीं हुई अभी तक। आज चुनाव का डेट का घोषणा हुआ है, ये विश्वविद्यालय के और से बहुत अच्छी खबर है, ताकि एक साल से या दो साल से जो लंबित चुनाव थी वो होने जा रहा है और नए प्रतिनिधि को मौका मिलेगा। चूँकि नए प्रतिनिधि को मौका हम इसलिए भी कह रहे हैं देना चाहिए, क्योंकि एक प्रतिनिधि को तो यहाँ ये नियम कायदा जो है चुनाव का, एक प्रतिनिधि एक ही बार लड़ सकता है, और नए प्रतिनिधि आते हैं तो उसमें काम करने का जज्बा होता है, इसीलिए नए प्रतिनिधि आने चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे पटना यूनिवर्सिटी में, और जिस तरीके से चुनाव के लेकर घोषणा कर दी गई है, और हम छात्रों से बात किए, छात्रों में काफ़ी खुशी का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, यहाँ के जो VC हैं उनको मिठाई खिलाकर बधाइयाँ दे रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव नहीं हो रहा था, दो साल से चुनाव नहीं हुआ था, और अपडेट की घोषणा कर दी गई है, अब देखने वाली बात ये होती है कि कौन जीतता है और कैसे जो समस्या है उसका हल होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।